खबर श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर एक सड़क हादसे में 30 वर्षीय युवक ने अपनी जान गंवाई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के बीरपुर इकौना हाईवे मार्ग की है, जहाँ पर बाइक सवार को ट्रैक्टर ट्राला ने टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार दो लोग घायल हुए। घायलों को आसपास के लोगों ने सीएससी इकौना में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने एक की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल बहराइच के लिए रेफर कर दिया। बलरामपुर थाना कोतवाली देहात निवास घुघुलपुर निवासी करता राम पुत्र राधे श्याम भाई के सगे साले नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के पटखोली खुर्द निवासी सरवण कुमार पासवान पुत्र माता प्रसाद के साथ कटरा से पटखोली बाइक पर जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों घायल हुए, जिसमें से सरवण कुमार की हालत काफ़ी गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल बहराइच के लिए रेफर कर दिया, परंतु रास्ते में ही बहराइच ले जाते वक्त सरवण कुमार की मौत हो गई, जिसके बाद सौ परिजन लेकर घर चले आए और परिवार में कोहराम मच गया। वहीं जब इस घटना की जानकारी ग्राम प्रधान को हुई तो मौके पर पहुंचकर ग्राम प्रधान ने पीड़ित परिवार से बातचीत की तथा उन्हें सांत्वना प्रदान की। श्रावस्ती जनपद के पटखौली खुर्द की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मृतक सरवण कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिजनों में कोहराम मचा रहा। बता दें कि मृतक के दो मासूम बच्चे हैं, जिनके सर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। पटखौली खुर्द में रहते थे, इनका नाम था सरवण कुमार पासवान है, इनके पिताजी हैं माता प्रसाद। कल जा रहे थे ये मार्केट किसी काम से, अचानक किसी से टक्कर हुआ और ये रोड पर गिर गए, और वहीं से इनको लेकर गया इकौना अस्पताल पहुंचाया गया। इकौना अस्पताल में जवाब हुआ, फिर रिफ़र किया गया बहराइच के लिए, और बहराइच जाते समय इनका रास्ते में ही मौत हो गया। और बहुत दुखद और दर्दनाक घटना हुआ है हमारे यहाँ, ये दूसरी बार है। अभी कुछ देर पहले वहाँ करमोना में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, आप लोग जानते ही हैं, और फिर दूसरा ये हमारे यहाँ हो गया। बहुत दुखद है, और परिवार के लोग भी इनके काफ़ी। सरवण कुमार की उम्र क्या होगी, इनके कितने बच्चे? सरवण कुमार के लगभग 30 साल के आसपास में है। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, छोटे छोटे भी। सब परिवार कैसा है? परिवार बहुत गरीब है, पता लग रहा है। मेहनत मजदूरी करते थे भाई। अभी वे लोग बाहर कहीं लुधियाना में रहे, गेहूं कटाई के लिए आए थे और फिर जाने वाले थे, आज ही काल में निकलने वाले थे, तब तक यहाँ इनकी मौत हो गई दुर्घटना में। वहीं इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। श्रावस्ती जनपद के पटखौली खुर्द की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर मृतक के घर रिश्तेदार तथा ग्रामीणों का जमावड़ा लगा हुआ है और लोग पीड़ित परिवार को सांत्वना देने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में मृतक व मृतक के साथी घायल दोनों नशे में थे, जिसके चलते ये सड़क हादसा सामने आया। आखिरकार एक परिवार की इस हादसे में ज़िंदगी उजड़ गई और उसके दो बच्चे हमेशा के लिए अनाथ हो गए।